नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। टिहरी जिले से सड़क हादसे का एक मामला सामने आ रहा है, जहां एक छोटा लोडर अनियंत्रित होकर पलट गया। जानकारी के मुताबिक हादसे के दौरान लोडर में 10 से 12 स्कूली बच्चे सवार थे। गनीमत रही कि घटना में किसी तरह की जान की हानि नहीं हुई है। बहरहाल हादसे में घायल सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। दरअसल ये मामला टिहरी जिले के गूलर का है, जहां एक लोडर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं आनंद फानंद ने घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। आपको बता दें कि पावोकी देवी रोड पर बांस काटल के पास एक छोटा लोडर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि हादसे के दौरान लोडर में 10 से 12 स्कूली बच्चे सवार थे। गनीमत रही कि हादसे में किसी तरह की हानि नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक घटना में चालक समेत स्कूली बच्चे घायल हो गए हैं। इस दौरान सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों का रेस्क्यू किया। वहीं सभी घायलों का रेस्क्यू कर स्थानीय लोगों की मदद से SPS राजकीय चिकित्सालय में भर्ती किया गया। बहरहाल मौके पर पहुंची थाना मुनिकीरेती पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।